हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तस्मिया की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे व्हाइट मटन कोरमा। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत जल्दी ये बन के तैयार होता है, टेस्टी भी बहुत रहता है। तो आप लोग इसे ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली ऐसी टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपीज की वीडियो लाती रहती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चलिए फिर इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन, ये थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से और आधा नींबू का रस अच्छे से इसमें निचोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि चिकन हमारा बहुत ही अच्छा बनता है, नमक अंदर तक खूब अच्छे से मिक्स हो जाता है, फीका फीका सा नहीं लगता। और नींबू डालने से ये जब हम इसको पकाएंगे ना ग्रेवी वगैरह के साथ में, तो ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बहुत ही अच्छा अंदर तक नींबू की खटास और ये नमक अच्छे से अंदर तक चला जाएगा। तो बस इसे बस दो ही चीज़ डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आइए देख लेते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को अच्छे से ऐसे कूट लिया है दरदरा सा, और काजू और बादाम 5 से 6 काजू 5 से 6 बादाम को अच्छे से भिगो लिया है। आप सिर्फ काजू या सिर्फ बादाम ही ले सकते हैं, तो उसे भिगोकर उसको ग्राइंड कर लेंगे। मैंने 3 बड़े साइज की प्याज को ऐसे कट कर लिया है, इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। कुछ साबुत मसाले लिए हैं, 1 इलायची, 3 छोटे छोटे मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, 1 साबुत लाल मिर्च और 5 से 6 लौंग लिया है। तो आप यहाँ पे जीरा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधे कप दही, उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के क्रश की हुई काली मिर्च का पाउडर। दरदरा सा कोट कर डालेंगे तो हमारी ग्रेवी जो रहेगी वो वाइट ही रहेगी, काली नहीं होगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ा सा, मतलब 1/2 टीस्पून के करीब। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से इसे हम फेंट लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, मतलब 1/2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। धनिया को हमने तवे पर हल्का सा सेक कर उसे ऐसे कोट लिया है, डाल देंगे तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप स्किप भी कर सकते हैं और काली मिर्च की जगह आप व्हाइट मिर्च भी डाल सकते हैं। व्हाइट मिर्च सबके पास अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल, तो मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएंगे तब हम डालेंगे साबुत मसाले जो हमने लिए थे, आप यहाँ पे तेज़पत्ता वगैरह भी डाल सकते हैं, ज़ीरा तेज़पत्ता। और हम हल्का सा इसको बस तेल में फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम ग्राइंड की हुई प्याज डाल देंगे। तो प्याज को हमने ऐसे नॉर्मली ग्राइंड कर लिया था, पानी वानी नहीं डाला था। पानी डालने से क्या होता है कि फिर थोड़ी देर उसको भूनना पड़ता है, उसका पानी जो है वो सुखाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि बिना पानी डाले हम ग्राइंड करेंगे तो भूनने में कम टाइम लगेगा। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च का पेस्ट जिसे हमने हल्का सा कूट लिया था, आप साबुत भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मीडियम आंच पे हम इसे हल्का सा भून लेंगे। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। उसके बाद हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, मतलब जो हमने नींबू और नमक को लगा के रखा था ना, बस उसको हम डाल देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, ताकि जो ये लहसुन अदरक के साथ चिकन हमारा भुनेगा तो बहुत ही अच्छा सा उसमें फ्लेवर आ जाता है। तो चलिए इसको हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से भून लेते हैं, ताकि लहसुन अदरक का फ्लेवर जो है वो चिकन में अच्छे से आ जाए। आप यहाँ पे नमक भी डाल सकते हैं, मैंने भी डाला है, तो इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने पहले भी चिकन में नमक लगा कर रखा था, तो नमक इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। उसके बाद आप लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भी इसे पका सकते हैं। तो मैंने इसे ढक दिया है, 2 से 3 मिनट बाद हम फिर से इसे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये चिकन जो लहसुन अदरक के साथ काफ़ी अच्छे से भून चुका है। तो इसे हम एक बार मिक्स कर देंगे, बीच बीच में चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने दही में काली मिर्च का पाउडर वगैरह डाला था ना, उसको हम डाल देंगे। तो दही मेरी एकदम गाढ़ी थी, तो मैं इसको थोड़ा सा पानी डालकर, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पानी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके दही में थोड़ा बहुत पानी हो तो आप मत डालिएगा, क्योंकि दही ऑलरेडी पानी छोड़ती है, तो इसीलिए थोड़ा सा अगर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। हम अच्छे से दही डालने के बाद हम इसे पका लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। बीच बीच में इसे हमें चेक करते रहना है और मिक्स भी करते रहना है, नहीं तो फिर ये नीचे से चिपक जाएगा, तो फिर कलर इसका चेंज हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में चेक करते रहना और मिक्स भी करते रहना है। तो दही के साथ ये काफ़ी अच्छे से भून चुका है। हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम का पेस्ट। काजू बादाम का पेस्ट डालकर हम अच्छे से 1 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम आंच पे। और यहाँ पे जब आप काजू बादाम का पेस्ट डालेंगे ना, तो ये थोड़ा सा इसका तेल जो है
वो दिखना बंद हो जाता है, पर डरने की कोई बात नहीं है, ऊपर से डालिएगा भी मत। थोड़ी देर बाद वो अच्छे से ऊपर आ जाता है जब चिकन अच्छे से भुनने लगता है। तो यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च और डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। आप दूध के ऊपर जो जमी हुई मलाई रहती है ना, हम अक्सर निकाल कर रख लेते हैं, तो उसको भी आप फेंट कर डाल सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो थोड़े क्रीम की क्वान्टिटी आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, प्याज की क्वान्टिटी भी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और अगर आप थोड़ा इसको ग्रेवी जैसा बनाना चाहते हैं तो बॉयल किया हुआ दूध भी डाल सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसको एकदम ऐसे सूखा सूखा सा बना रही हूँ तो मैंने नहीं डाला है, मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम को अच्छे से फेंट कर डाल दिया है। तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम डालने के बाद हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 102 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई तेल वेल नहीं डाला है, फिर भी ये ऊपर अच्छे से तेल दिखने लगा है, क्योंकि मसाले और चिकन जो है अच्छे से भुन चुके हैं। इसके ऊपर डाल देंगे कसूरी मेथी। कोई भी वाइट ग्रेवी वाली रेसिपी हो ना तो उसमें कसूरी मेथी ज़रूर पड़ती है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये वाइट चिकन जो है हमारा बनके तैयार है, अच्छे से चिकन भी सॉफ्ट हो गया है। आपने देखा कि ये टूटा भी नहीं है, कोई भी पीस टूटी नहीं है, तो नींबू लगाने से यही फ़ायदा रहता है। तो अगर आप इस टाइम, अगर आपको ग्रेवी वाला बनाना है ना, तो इस टाइम पे आप दूध डाल सकते हैं, तो ग्रेवी वाला वाइट चिकन कोरमा बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हरी धनिया डाल देंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वाइट कोरमे में हरी धनिया बहुत ज़्यादा नहीं डलता है, क्योंकि हमें इसको एकदम वाइट बनाना है ना इसीलिए। और वाइट मिर्च अगर आप डालेंगे तो ये जो हल्का सा ये इसमें काली मिर्च का वो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, और सफ़ेद मिर्च का जो टेस्ट रहता है वो अलग ही रहता है। तो आप अगर पॉसिबल हो तो काली मिर्च की जगह सफ़ेद मिर्च ही डालिएगा। तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं, टेस्टी और मज़ेदार सा ये वाइट चिकन कोरमा। कुछ दिन पहले मेरे चैनल पर मटन मलाई सीख कबाब की रेसिपी थी, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, वैसे ही इस रेसिपी को भी प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वो वाली रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी, तो चेक ज़रूर करिएगा। और चैनल पर तो एक बार ज़रूर आइएगा, सारी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और चलिए ये रेसिपी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।